गजेंद्र और ग्राह का भगवान ने कल्याण किया। इसी प्रकार से हम सब लोगों को गजेंद्र की तरह स्तुति करके भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके बाद भागवत जी में वर्णन है, बड़ा विलक्षण वर्णन है। भागवत में ये बड़ी विलक्षण कथा है समुद्र मंथन की। देवता लोग पराजित हो गए, दैत्यों ने देवताओं पर कब्जा कर लिया। भगवान कश्यप की पत्नी ने 12 दिन का पयोव्रत करके फिर भगवान वामन को प्रकट किया और वामन भगवान राजा बलि के यहां गए। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान वामन कैसे आए धरती पर? तो कहा, महाराज जब देवता पराजित हो गए दैत्यों से और राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, राजा बलि ने त्रिलोक पर कब्जा कर लिया है, और बलि से राजा बलि से भगवान याचना करने के लिए, दान मांगने के लिए वामन का रूप धारण किया। एक बड़ी विलक्षण बात है इसमें, भादों के महीने में भगवान भगवती मां कश्यप की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए। ये जो भादों का महीना है ये हमारे संस्कृति के दृष्टि से बहुत ठीक है। राधा जी का जन्म भी भादों के महीने में हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म भी भादों में, भगवान बलराम जी का जन्म भी भादों में और आदरणीय वामन जी का भी जन्म भादों में। बड़े सुंदर भगवान वामन के रूप में पधारे। माता अदिति ने भगवान को कोपीन पहनाया, भगवान बृहस्पति ने आकर के भगवान को जनेऊ पहनाया। दिशाओं के स्वामी जगतपति ने भगवान को छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल दिया। मेरे कहने का आशय, बड़ी सुंदर बाकी झांकी भगवान की प्रकट हो गई। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान को बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसको गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। आचार्यों ने जब गायत्री का उपदेश दिया तो कहा, जाओ राजा बलि से भिक्षावृत्ति करके आओ। शब्दों पर ध्यान देना, बड़ी कीमती लाइनें हैं। भगवान वामन चल पड़े। राजा बलि यज्ञ कर रहा है और उनके आदरणीय आचार्य शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ करा रहे हैं। याज्ञिक कर्मकांड चल रहा है। शुक्राचार्य जी महाराज बैठे हैं यज्ञशाला में और राजा बलि बैठे हैं। देखा भगवान छाता ताने आ रहे हैं तो राजा बलि ने बड़े खुशी से कहा शुक्राचार्य जी से कि महाराज ऐसा लग रहा है कि भगवान भास्कर आ रहे हैं मेरे पास। नहीं बलि, ये सूर्य तो नहीं लग रहे हैं लेकिन ये कंफर्म है कि चंद्रमा तो होंगे ही, चंद्रमा आ रहे हैं।
क्या विलक्षण बात है महाराज, क्या क्या ददर्शता है। भगवान पहुंच गए राजा बलि के यज्ञशाला में। राजा बलि ने आकर के उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और कहा, ब्राह्मण आपके आने से यह यज्ञ पवित्र हो गई। ध्यान देना, आपके दरवाजे पर संतों का, विद्वानों का पदार्पण हो, सत्कर्मी लोग जाए, पूजा पाठ करने वाले लोग जाए, ये आपकी सौभाग्य हो सकती है। वैसे इनका जाना बहुत मुश्किल है, जल्दी जाते नहीं, लेकिन अगर कभी अवसर मिले तो उसका लाभ ले लेना, गंवाना मत। आइए, कितनी विलक्षण बात है जरा देखना, कि भगवान जब पहुंचे तो वामन के रूप को देख करके, भगवान के बाकी झांकी को देख करके कौन मस्त न हो जाए, किसकी आंखें ना इधर उधर टकरा जाए, चकरा जाए, मन में चकरा जाए। राजा बलि ने कहा, महाराज बताओ आपको क्या दे दूं। तो बामन भगवान ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है, मैं तो त्यागी आदमी हूं, मैं क्या करूंगा लेकर के। भाई बामन ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान कुछ लेने के लिए तैयार नहीं, कुछ नहीं ले रहे। राजा बलि ने मुस्कुरा करके कहा, महाराज कहिए तो आपका विवाह करा दूं, आप सुंदर तो बहुत हैं। तो कहा, विवाह करा दोगे तो वो ब्राह्मणी फिर रहेगी कहां। राजा बलि ने कहा, महाराज हम सोने का महल बनवा देंगे आपके लिए। ध्यान देना शब्दों पर, शब्दों को सुनिए, ये भागवत जी का मुख्य सारांश। राजा बलि ने बामन से कहा कि आपका विवाह करा दे, तो कहा कि ब्राह्मणी कहां रहेगी। कहा, महाराज रहेगी, उसके लिए घर बनवा देंगे। तो कहा, भोजन कहां से पाएगी। तो कहा, भंडारा चलवा देंगे। तो कहा, ब्राह्मणी के बच्चे भी 2, 4, 5, 10 पैदा हो सकते हैं। तो हिरण्यकश्यप बलि कहता है, हाँ हो तो सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं हिरण्यकश्यप के नाम से एक विश्वविद्यालय खुलवा दूंगा, उसमें बच्चे पढ़ेंगे। तो भगवान ने कहा, उन 10-5 बच्चों में कोई 2-1 मर भी सकता है। तो बामन मुस्कुराए, कहा, महाराज जब आप गृहस्थी में आएंगे तो मर तो सकता है। तो भगवान ने कहा, फिर रोएगा कौन। तो कहा, रोना तो आपको पड़ेगा। तो हम कहा, इसीलिए हम तो विवाह नहीं करना चाहते कि रोए क्यों, विवाह करके रोना ही तो है। मैं विवाह करके रोना नहीं चाहता। आपने संसार में देखा है कि जब विवाह होता है, लड़की की विदाई होती है, तो वो लड़कियां बहुत चिल्लाती है, बहुत रोती है, अपने मां बाप के घर से चलती है। और जिन श्रीमान जी के साथ जाती है वो प्रसन्न होते हैं कि आज मेरी पत्नी आ गई। ध्यान देना शब्दों पर, लड़की रो रही है और लड़का हंस रहा है। क्यों? क्योंकि आज दोनों का अंतिम दिन है, आज के बाद वो रोएगी नहीं अब। और जो हंस रहे हैं, इनके चेहरे पर कभी हंसी नहीं आनी, इनका हंसना लगभग बंद है। अब मैं आगे कटाक्ष नहीं करूंगा, आप समझदार हैं, लेकिन इतना जरूर कह दे रहा हूं, भगवान बामन ने कहा, विवाह करके हम रोएंगे, क्षण सुख लाग, क्षण मात्र के सुख के लिए पूरा समय नष्ट कर दे, अपना नहीं चाहिए। अरे महाराज कुछ तो ले लो। तो भगवान बामन ने कहा कि हमें 3 पग केवल जमीन दे दीजिए, एक छोटी सी कुटिया बनानी है बस। बलि हंसा, कहा, महाराज तुम जितना छोटे हो उतना छोटा तुम्हारा दिमाग भी है, तुम मांगना भी नहीं जानते हो, 3 पग में तुम क्या करोगे। भगवान ने कहा, हम सब कुछ कर लेंगे, लाओ संकल्प कराओ। तो कहा, महाराज 3 पग के लिए कौन संकल्प, जहां मर्जी हो वहां जाओ नाप लो।
ये त्रिलोक मेरा है, जहां आपको जरूरत हो वहां तीन कदम ले लो। कहा भाई हम ब्राह्मण हैं, बिना संकल्प के हम कोई चीज कैसे ले सकते हैं? संकल्प का मतलब जानते हैं? संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। शुक्राचार्य ने बलि से कहा ये भगवान विष्णु है, मान जाओ मत, इनको तीन पग दो नहीं तुम्हारा पूरा राज्य चला जाएगा। राजा बलि ने मुस्कुरा करके कहा कि अगर मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है महाराज, अगर ये तीन कदम ले गए तो ब्राह्मण का दान हो जाएगा, और अगर ये भगवान विष्णु है तो मेरे घर याचक बन करके आए हैं, मैं उनको दान देने जा रहा हूं, इससे बढ़कर के मेरे लिए क्या हो सकता है। सोमा शुक्राचार्य ने बाधा डाली। शुक्राचार्य ने कहा हम संकल्प नहीं पढ़ेंगे भाई, वो गुरु थे उनकी। तो भगवान ने कहा कि अगर ये संकल्प न पढ़े तो मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, मुझे संकल्प पढ़ना आता है, मैं संकल्प बोल देता हूं। शुक्राचार्य ने क्या किया, जहां जिस लोटे में जल था, ये भागवत में तो नहीं लेकिन विष्णु पुराण में लेके, शुक्राचार्य जाकर जल में ही बैठ गए कि पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं करेंगे। लेकिन भगवान लिए थे कुसा, उन्होंने क्या किया, शुक्राचार्य के एक आंख पर मार दी। इसीलिए शुक्राचार्य के एक ही आंख है, जानते हो क्यों? दान देने में अगर आप रोकोगे किसी को तो यही दशा समझ लो, उसका परिणाम यही है। कोई दान दे रहा हो आप रोके, महाराज धर्म के लिए अगर संकल्प कर लेना तो उसके पीछे मिट जाना, लेकिन पीछे मत हटना। यह भागवत कहती है, ये रघुपत त्रिपाठी नहीं। धर्म के लिए आप भागवत कीजिए, आप कथा कीजिए, हम इतना करेंगे, उसके बाद पीछे हटने वालों की हाल वो खराब होती है। या तो कहिए मत, और या तो धर्म से खिलवाड़ मत कीजिए। धर्म कोई व्यापार का चीज नहीं है, और धर्म को जब व्यापार में जोड़ा तो उन लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है, इसका भी प्रमाण संसार में आपके पास है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। धर्म को व्यापार से सिद्ध नहीं करना चाहिए। आइए थोड़ा भागवत स्मरण करें, उसके बाद चलेंगे अगली लाइन पर। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा
बाबन भगवान की जय हो। शुक्राचार्य जी महाराज अपने गति को प्राप्त हो गए परीक्षित जी, और इधर वो सर्वात्मा सर्वदर्शना भगवान ने संकल्प करा करके कहा, राजन अब बताओ मुझे कहां से नापना है। भगवान ने दो पांव में राजा बलि के तीनों लोक को नाप लिया, ब्रह्मलोक में दूसरा पांव रखा, और ब्रह्मा जी वही नारायण के चरण को धो करके श्री गंगा जी को धरती पर भेजा। आदरणीय भगवत भक्तों, भगवान ने दो लोग दो पांव में पूरे त्रिलोकी को जब नाप लिया तो राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहां रखे। राजा बलि ने हाथ जोड़कर, राजा बलि भगवान के सामने खड़ा हो गया और कहा, ठाकुर धन बड़ा होता है या धन देने वाला बड़ा होता है। कहा, नहीं दाता बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा, हे गोविंद ये तीसरा पैर आप मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान राजा बलि के सर पर तीसरा पैर रखे तो, लेकिन हे परीक्षित भगवान की भी आंखों में पानी आ गया। भगवान ने कहा, बलि आया तो मैं तुम्हें छलने था लेकिन तूने तो मुझे छल लिया। राजा बलि के भावना को देख करके भगवान, क्योंकि गुरुदेव शुक्राचार्य ने मना किया था कि ये भगवान है, तो राजा बलि ने कहा, क्या फर्क पड़ता है इस समाज में, अगर भगवान मेरे यहां चले आए मांगने के लिए तो मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, अगर दे दूंगा तो ब्राह्मण का भला हो जाएगा और भगवान होंगे तो सारा ब्रह्मांड उनका है, वे ले ले, उसमें हमारा है ही क्या भला। कितनी ऊंची बात है। एक बात पर जरा सा कटाक्ष करना चाहता हूं, यह धरती है, यहां एक से एक औद्योग उद्योगपति अच्छे अच्छे बिजनेसमैन अच्छे अच्छे धनाढ्य लोग हैं, लेकिन एक बात सुन लो, इस दुनिया में अगर कोई सेठ है तो सेठ तो केवल सांवलिया सेठ, जय हो, बाकी कोई सेठ उठे नहीं उनके साथ। आप बताओ इतना बड़ा ब्रह्मांड पड़ा है, ये जितनी संपत्ति दिखाई देती है, लोग चौकीदार रखते हैं, लोग वॉचमैन रखते हैं देखने के लिए, और उस सांवलिया सेठ की संपत्ति दुनिया में पड़ी है, एक भी चौकीदार उनका कोई रखाने वाला उनकी संपत्ति को नहीं है। और भी लचरता देखना, जब यहां से लोग जाते हैं तो ऐसे चले जाते हैं, उनका कुछ लेकर भी नहीं जा पाते, उनसे बड़ा सेठ कौन है दुनिया में। राजा बलि ने कहा, ये अहमता है महाराज, अगर वो भगवान होंगे ले लेंगे तब भी तो मेरा बन जाएगा, और अगर ब्राह्मण होगा दान दे दूंगा तो भी तो मेरा तो दोनों में, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, मेरा कहां नुकसान हो रहा है। राजा बलि प्रसन्नता से खिल गया। भगवान ने जब पांव रखा तब तक राजा बलि की पत्नी आकर के भगवान के समक्ष खड़ी हो गई। राजा बलि की पत्नी जब आई, राजा बलि की पत्नी ने कहा, महाराज
हे ठाकुर, ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपका है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान संसार के मालिक है परीक्षित, राजा बलि की पत्नी और राजा बलि आज कृतार्थ हो गई, तब तक प्रहलाद जी भी आ गए। प्रहलाद जी इनके बाबा पर बाबा है महाराज। और जब प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी को भगवान ने देखा तो कहा, प्रहलाद ये तुम्हारा खानदान बड़ा पवित्र है, इसमें एक से एक भगवत भक्त पैदा हुए। मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन राजा बलि को जो चाहिए कहिए मांग ले। राजा बलि ने कहा, महाराज हमें राज्य नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें सुतल लोक का राजा बना दिया, जाओ सुतल लोक में तुम राज्य करो। और क्या चाहिए? तो राजा बलि ने कहा, महाराज जब मैं अपने दरवाजे से निकलूं आप मुझे दरवाजे पर दर्शन दे दिया करें। तो भगवान ने कहा, इसका मतलब तुम्हारा द्वारपाल बने, भगवान चौकीदार बने राजा बलि के यहां। और उसके बाद लक्ष्मी जी आई हैं, राजा बलि के हाथ में राखी बांध करके भगवान को लेकर के फिर वो गई है दिव्य लोक को, तब भगवान छुट्टी पाए हैं। ये भगवान इस तरह से महाराज दयालु है, इनकी दयालुता देखो। पूतना स्तन में जहर लगा करके जाएगी उसका भी कल्याण करते हैं, और यशोदा रानी दूध पिलाती है भगवान को, उनका भी मंगल में कल्याण करते हैं। इस प्रकार से महाराज परीक्षित जी, भगवान ने वामन का अवतार लिया। इसके बाद कथा आती है, परीक्षित जी एक राजा हुए जिन महाराज का नाम था अम्बरीश। इस भागवत जी के सारांश को बड़े गंभीरता से आप लोग श्रवण करते रहिए। एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज अम्बरीश। अम्बरीश जी की एक विशेषता है, अम्बरीश जैसा राजा इस धरती पर और सूर्यवंश के इतिहास में जल्दी नहीं मिलता है। अम्बरीश बहुत बड़े राजा थे, ये भागवत में लिखा है, जरा भागवत जी का श्लोक देखना। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीप्तवती महीम अव्ययम् चाश्रियम् लब्ध्वा विभवम् चातुलम् भुवि। महाराज अम्बरीश बहुत बड़े राजा हुए और उनके पास इतनी संपत्ति थी जिसको खर्च कर पाना बड़ा असंभव था, जिसकी तुलना देना बड़ा असंभव है। लेकिन एक काम था, अम्बरीश जी क्या करते थे, धन थी ये दूसरी बात, पहली बात है, लेकिन वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे ये दूसरी बात है। बहुत बड़े भक्त थे भगवान के अम्बरीश। भगवान अगर धन दे दे, भगवान पद दे दे, भगवान प्रतिष्ठा दे दे, तो भगवान को भूल मत जाना, ये चीज ध्यान रखना। अम्बरीश जी जानते हो क्या करते थे, इतने बड़े धनी होने के बाद, ये डॉक्टर रघुपत त्रिपाठी जी नहीं, श्रीमद भागवत बोल रही है, अम्बरीश जी क्या करते थे कि सवई मना कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनी। अम्बरीश जी का मन कहां लगा रहता था, तो कहां सवई मना कृष्ण पदारविंदयो
उनका मन धन में नहीं, उनका मन भगवान के श्री चरणों में लगा रहता था। और वचान से वैकुंठ गुणानु वर्णनी, और जब बोलते थे तो परपंच नहीं, भगवान की लीला भगवान की कथा। और क्या करते थे तो कहा करोर हरे मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकारा श्रुत सत्कथोदय। अपने हाथ से डेली मंदिर धोते थे महाराज अम्बरीश जी। और हे माताओं बहनों, हे भगवत भक्तों, ठेके पर भगवान की पूजा नहीं होती है, ध्यान देना। भगवान की सेवा, इस संसार में कुछ काम ऐसे हैं जो तुम्हें व्यक्तिगत करना पड़ेगा। एक तो भोजन खुद करना पड़ेगा, तुम चाहे जितने बड़े आदमी हो, और तुम विवाह में तुम्हें ही जाना पड़ेगा, और मौत भी तुम्हारी ही होगी, और उसी तरह से भगवान की पूजा भी तुम्हें करनी चाहिए। करोर हरे मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकारा श्रुत सत्कथोदय। अपने हाथ से मंदिर को धोते थे, फूल लाते थे, भगवान की सेवा पूजा करते थे। और सुनते क्या थे, कहा संसार का परपंच नहीं, केवल भगवान की कथा सुनते थे। लेकिन अम्बरीश जी एक काम करते थे परीक्षित जी, वे एकादशी का व्रत किया करते थे। ध्यान देना माताओं बहनों, आप लोग कथा में आई हैं, भगवत भक्तगण यहां पधारे हैं, मैं आपसे एक सवाल करूंगा आज। इस दुनिया में जितना व्रत है, मैं किसी व्रत पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक चीज व्यास पीठ से कहता हूं, एकादशी से बड़ा व्रत भी दुनिया में कोई व्रत नहीं है। ये सारे शास्त्र कहते हैं। कथा सुनने के बाद कथाकारों को दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा न दी गई तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। दक्षिणा में त्रिपाठी जी पैसा नहीं मांग रहे आपसे, ध्यान देना, चिंता मत करना। लेकिन एक काम करना, जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं उनको धन्यवाद, और जो नहीं रहते हैं वो इसी माघ की एकादशी से शुरू कर दे एकादशी का व्रत करना। सारे संसार के सारे सुख वैभव आपको प्राप्त हो जाएंगे, ये आपसे मेरी दक्षिणा भी होगी, और इस दक्षिणा में आपका भी कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। और आपका अगर आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो हम लोग जब तक हमारी श्वासें चले, हम लोग सनातन धर्म की ध्वजा को विश्व पटल पर फहराने पर कामयाब हो, ये आशीर्वाद देख करके भी दीजिए। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे, जिसको आप ग्यारस कहते हैं। और एक बात फिर निवेदन कर दूं, चार पांच स्थल ऐसे हैं जहां पर भोजन मत करना, आप लोग नहीं खाना चाहिए। कब कब नहीं खाना चाहिए, यह धर्म सूत्र कहता है। भोजन कहां कहां नहीं करना, ध्यान देना शब्दों पर। रविंदु ग्रासे हरि जन्म काले कन्या प्रदाने बीज भोजनी च प्राण प्रयाणे हरिवासरे च यदन्न भुक्तम नरक ब्रजन्ति। अन्न जानते हो कहां नहीं खाना है, जिस दिन सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण लगे उस दिन भोजन मत करना। रविंद्र ग्रासे हरि जन्म काले, भगवान का जन्मदिन हो, चैत राम नवमी चैत्र में, और भादो में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, ये भी दोनों व्रत जरूर करना, इस दिन में नहीं खाना चाहिए। रविंद्र ग्रासे हरि जन्म काली कन्या प्रदानी, अगर आपने बेटी का विवाह आपने आयोजित कर रखा है और कन्या दान देना है, आपको भोजन मत करना। लेकिन आजकल के रिश्तेदार जाते कहते नहीं नहीं खा पी लो भैया, आत्मा संतुष्ट हो जाए तब कन्यादान करना चाहिए। मैं सावधान करना चाहता हूं उनको
कार्ड पर तो आपने बेटी के लिए लिखवा दिया है आत्मजा, आत्मजा माने पुत्री, आत्मजा माने बेटी। अगर माता पिता की आत्मा उस दिन तृप्त हो गई तब उन्होंने कन्या का दान किया, तो कन्या के आत्मा में पूरे जीवन के लिए आग लग गई, ध्यान देना। और अगर माँ बाप की आत्मा उस दिन जल गई तो कन्या की आत्मा फिर सर्वदा सुख करेगी। अब निर्णय आपका है कि खा करके भेजना है कि बिना खाए भेजना है। रविंद्र ग्रासी हरिजन्म काली कन्या प्रदानी बीज भोजनी च। आपके दरवाजे पर दो चार ब्राह्मण बैठे हो, आप पहले खा ले, ब्राह्मण न खाए, ऐसा नहीं करना कभी। प्राण प्रयाणे, कोई अगल बगल रिश्तेदारी पटीदारी में मर गया है, उसकी लाश नहीं जली है, अब खा रहे हैं। और यहां लोग कहते भैया जल्दी खा लो, भी लाश आने वाली दिक्कत हो जाएगी। अरे तुम भी तो लाश ही हो, आज रही तो कल की। प्राण प्रयाणे हरिवासरीच, हरिवासर माने एकादशी। यदन्न भुक्तम नरक ब्रजन, इस दिन जो अन्न खाता है वो नरक चला जाता है। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे परीक्षित, और एक बार उनके पारण करने का समय हुआ तो ब्राह्मण लोग बैठे थे खाने के लिए, तब तक दुर्वासा महात्मा आ गए। महाराज अम्बरीश प्रसन्न हो गए कि दुर्वासा जी भी आज सम्मिलित हो जाएंगे, तो दुर्वासा जी ने कहा मैंने भी स्नान नहीं किया है। दुर्वासा जी चले गए स्नान करने यमुना में, और इधर ब्राह्मणों ने चरणोदक दे दिया महाराज अम्बरीश को। और दुर्वासा जब लौट कर आए तो कहा कि आपने मुझे बिना खिलाए पानी पी लिया। बस मारे गुस्सा के तमतमा उठे परीक्षित और कृतिया पैदा कर दी, आग जला करके जटा उखाड़ करके कहा अम्बरीश को जला करके भस्म कर दो। तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र आ चुका था, उसने कृतिया भस्म किया और लगा दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा अपना जान बचाने के लिए गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कहा अभिलंब चले जाओ नहीं तो आग लग जाएगी ब्रह्मलोक में, मैं नहीं बचा पाऊंगा। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा भैया मेरे बस की बात नहीं। भगवान नारायण के पास गए तो उन्होंने कहा मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। लौट करके अम्बरीश के आकर चरणों पर गिर पड़े तो अम्बरीश ने कहा महाराज मैं एक राजा हूं क्षत्रिय हूं और आप ब्राह्मण होकर के इस तरह से कर्म क्यों करते हो। अम्बरीश ने दुर्वासा की जान बचाई, तब दुर्वासा जी भोजन करके अम्बरीश के यहां से गए। ये अम्बरीश के चरित्र की विशेषता रही। आगे कथा आ रही है भागवत में, राम जी की कथा आ रही है, ध्यान देना। राम कथा थोड़ी भागवत में लिखी है, लेकिन आइए थोड़ा राम नाम स्मरण करने के बाद हम लोग इस सारांश का आनंद लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम 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 राम
हम लोग अब धीरे धीरे बढ़ रहे भगवान के जन्म महोत्सव की तरफ। श्रीमद् भागवत महापुराण में नवम स्कंद में राम कथा लिखी गई है और दशम स्कंद में भगवान का जन्म। ऐसा क्यों? एक बात बड़ी गंभीरता से आप सुन लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो राम कथा होती है ना, ये मानव जीवन में जीने के लिए होती है। राम कथा जीने के लिए, और भागवत की कथा पिबत भागवतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। राम कथा जीने के लिए है और भागवत की कथा मेरे भाई पीने के लिए। भगवान राम और कृष्ण का चरित्र क्या है? राम जी का जो चरित्र है वो मर्यादा का है। राम जी ने जो जीवन में किया है वो करने लायक है, वो आचरण करने लायक है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो जिंदगी में किया है वो विचार करने लायक है, वो करने लायक नहीं है। राम का किया हुआ करोगे तो जिंदगी में शांति रहेगी, और कृष्ण का किया हुआ करना चाहोगे तो बर्बाद होने में तुम्हें घंटों नहीं लगेगा। राम जी का चरित्र विचारणीय है, राम जी का चरित्र अनुकरणीय है, और भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो विचारणीय है। राम जी ने जो जीवन में किया है उसे करो, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है उसे करो। एक का किया हुआ करो और एक का करा हुआ कहा हुआ। ये देख रहे हो ठाकुर जी लोग बैठे हैं पीठ पर सब, ये मयूर का पंख लगाए हैं। ये जानते हो क्यों लगाते हैं मयूर का पंख इनको? भगवान कृष्ण को मयूर का पंख जानते हो क्यों लगाया जाता है? भगवान को ये क्यों लगाया जाता है, मयूर पंख क्यों लगाते हैं जानते हो? ब्रह्मा के सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, उनमें से मयूर एक ऐसा प्राणी है कि जो कहीं सहवास नहीं करता है। ध्यान देना सबको, मयूर ऐसा प्राणी है जो संभोग नहीं करता है लेकिन उसकी सृष्टि चलती है। ये मयूर का पंख लगाकर ये बताना चाहते हैं कि 16,108 रानियों को रखते हुए ये ब्रह्मचारी है, ये महायोगी है, ये सृष्टि का सृजन करने में सक्षम है, इसलिए मयूर का पंख ठाकुर जी धारण।
अगर राम चरित्र में कृष्ण चरित्र देखना चाहे तो राम का जन्म अगर दिन के 12 बजे तो इनका जन्म रात के 12 बजे, राम जी अगर उत्तरायण में तो ये दक्षिणायन में, राम जी का जन्म अगर शुक्ल पक्ष में तो इनका कृष्ण पक्ष में, राम जी के अगर एक माँ बाप तो इनके दो माँ दो बाप, राम जी की अगर एक पत्नी तो इनके 16108 पत्नी। रामायण में जब सीता का अपहरण हो गया तो राम जी ढूंढते हैं, और भागवत में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां ढूंढती हैं। सब उल्टा मिलेगा महाराज, समीक्षा करके देख लीजिए आप बैठ करके। तो राम कथा भागवत में पहले इसलिए लिखी गई परीक्षित कि जो लीला पुरुषोत्तम की कथा सुनना चाहता है वो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम को स्मरण कर ले। अरे भैया मर्यादा में रहोगे तो लीला पुरुषोत्तम की कथा समझ में आई नहीं। ये दुनिया वाले बहुत महाराज क्या शब्द बोलू, ये हम ही लोगों से आकर कहते हैं राम जी ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। अरे तुम अपने गिरे बाद में झाको, पहले तुम राम पर टिप्पणी करने वाले कौन होते। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन तस्यानुचरितं राजन नृषि तत्वदर्शि श्रुतम ही वर्णितम भूरी त्वया सीता पतिर्मुहु। भगवान राम का जो चरित्र है ये बड़ा तात्विक है, नृसिंह तत्वदर्शी और बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस अपने अपने भाव में कथा का आनंद देते हैं, कथा कहते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता काही सुनहि बहु विधि सब संता काही सुनहि। ये भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है। जिस ऋषि मनीषि को जितना ज्ञान दिया है वो उस अनुसार उनका चरित्र गा रहा है, लेकिन जो अनंत है उसके बारे में समझ कौन सकता है, जिसका अंत ही नहीं वही तो अनंत है। भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ जी के यहां पैदा हुए राजन, और विश्वामित्र ध्वरी ईन मारी चाद्या निशाचरा पश्यतु लक्ष्मणस्यैव हता नैरितपुंगवा। ये विश्वामित्र जी के साथ में जाकर के उनके यज्ञ की रक्षा किए। यो लोकवीर समितो धनुरै समुगनम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलीलैवेच्छ्यष्टि संजीकृतम नृप विक्रेश्य बभंज मध्ये। और महाराज जनक जी के दुख को दूर करने के लिए मिथिला में जाकर के धनुष तोड़ा, सीता जी के साथ राम जी का विवाह होता है। सीता जी की विदाई होती है, सीता जी को सीता जी का विवाह राम जी के साथ, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, उर्मिला का लक्ष्मण के साथ, और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ संपन्न होता है परीक्षित। और ये चारों बहुएं जब अयोध्या में आई और सीता जी की सुंदरता को कौशल्या ने देखा, कौशल्या ने सीता जी को कलेजे से लगा लिया और कहा बेटी तू जितनी सुंदर है इसके बदले में उपहार संसार में नहीं बना है, ले आज से अपने लाडले दुलारे अपने आंखों के तारे राम को मैं तुम्हारे हवाले करती हूं सीता। और जब केकई जी ने सीता जी को देखा तो केकई बड़ी सुंदर है,
केकई ने सीता जी को ये कनक भवन की चाबी दे दी, कहा ये ले लो सीता, मैंने सोने का महल बनवाया था अपने रहने के लिए, लेकिन बेटी तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो इसलिए ये भवन तुम्हारा है, ले जाओ। जब सुमित्रा जी ने देखा सीता जी को, तो सुमित्रा सीता बहू को पकड़कर रोने लगी, उनके आंखों से पानी भर गया और कहा बेटी मैं इस राज खानदान की सबसे छोटी रानी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है सीता, लेकिन बेटा मैंने दो बच्चों को जन्म दिया है, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मैं दो बच्चों की माँ हूँ और आज से अपने एक बेटे के ऊपर से मैं अपना मातृत्व अधिकार समाप्त करती हूँ, आज से लक्ष्मण तुम्हारा बेटा है, सीता ले जाओ। इसलिए तो जब जंगल जाना हुआ तो सुमित्रा जी ने कहा कि तात तुम्हार मात वैदेही और पिता राम सब भात, बड़ा अच्छा वातावरण है अयोध्या का। अंत में केकई ने वरदान मांगा, राम जी 14 साल के लिए जंगल गए, संत मनीषियों का कल्याण किया, सीता का अपहरण हुआ, भगवान राम समुद्र पर सेतु बांध करके और रावण को मार करके, बाली को मार करके, कुंभकर्ण को मार करके और सीता जी को लेकर के फिर 14 साल बाद अयोध्या आए, उसके बाद अयोध्या की राजा बने। बस एक अध्याय में केवल सारांश ऐसे रामचरित्र का दिया गया है, जैसे मैं बोला हूं, जैसे एक श्लोक में रामायण है ना, आदु राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद् श्री रामायण। एक श्लोक में रावण, हमने मर्यादा की कथा, मर्यादा पुरुषोत्तम का स्मरण कर लिया, आइए थोड़ा फिर भगवान नाम जप, उसके बाद चलते हैं सीधे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम राम जी के राम जी हमारे रघुवर तारे हैं, तेरे हैं तो के रघुवर तारे हैं।
बड़ा सुंदर प्रकरण समक्ष हम लोगों के उपस्थित है। एक बहुत विलक्षण बात है, भगवान का मंगलमय जन्म महोत्सव होने चल रहा है। धन्य है ये राष्ट्र, धन्य है ये भारत की भूमि। एक जरा सी बात आपको समझाते हुए, श्रीमद् भागवत में कथा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्रकरण में महात्म्य में लिखा हुआ है, इस भारत को अगर दो भागों में बांटा जाए तो एक का नाम है उत्तर भारत और एक का नाम है दक्षिण भारत। हम लोग दक्षिण भारत में इधर बैठे हैं अभी। मेरी बात को बड़ा गंभीरता से सुन, बहुत गंभीरता से लेना। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विशेषता आपको बता दे रहा हूं। महात्मा नारद जी ने भक्ति से पूछा, क्यों रो रही हो, किसकी बेटी हो, कहां से आई हो? तो उस देवी ने कहा कि उत्पन्ना द्रविड़े साम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्री गुर्जरी जीर्णताम गता। महाराज, ये गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक का नाम भागवत में लेख है, भागवत के महात्म्य में लेख। भक्ति ने कहा कि मैं पैदा हुई हूं दक्षिण भारत में, इस धरती को प्रणाम करते हैं कि भक्ति देवी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ है। और दूसरी बात, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास जब आप उठाएंगे तो जितने बड़े बड़े आचार्य पैदा हुए हैं, महाराज रामानंदाचार्य 788 में, आज गुरु शंकराचार्य केरल में, रामानंदाचार्य हरियाचार्य वल्लभाचार्य, जितने बड़े बड़े आचार्य पैदा हुए वो सब के सब दक्षिण भारत में पैदा हुए। दक्षिण भारत में भक्ति पैदा होती है और दक्षिण भारत में ही बड़े बड़े आचार्यों का जन्म है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जिस मिट्टी से हम लोग चल कर आए अयोध्या के, वो पड़ता है उत्तर भारत में। धन्यवाद है दक्षिण भारत को जहां भक्ति पैदा होती है, धन्यवाद है दक्षिण भारत को जहां बड़े बड़े संत पैदा होते हैं। लेकिन भगवान के 24 अवतार हुए हैं भाई भागवत में,
मैंने उस दिन गिराया था 2400 अवतार, और ये 24 का 2400 अवतार भगवान का उत्तर भारत की धरती में है। भगवान का एक भी अवतार दक्षिण भारत की धरती पर नहीं है। ये विलक्षणता है। आज बड़ा सुंदर समय है, भगवान का जन्म महोत्सव भी, और आज अध्यात्म के उलझन से देश को सुलझा देने वाली, आज देश के अध्यात्म की धड़कन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। सत सत नमन उस महापुरुष को। स्वामी विवेकानंद जी एक बार इंग्लैंड में प्रवचन कर रहे थे। इंग्लैंड की जनता ने स्वामी जी से पूछा कि सारे भगवान इंडिया में ही पैदा होते हैं, महाराज मेरे यहां क्या तकलीफ है, यहां भगवान नहीं आ सकते। स्वामी जी मुस्कुराए, कहा कि जरूर आते हैं, भगवान पैदा होंगे, लेकिन एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। उन लोगों ने कहा, महाराज आप जो कहिए। इंग्लैंड वालों ने कहा, जो कहिए वो हम व्यवस्था कर देंगे, लेकिन भगवान का अवतार इंग्लैंड में होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, अगर व्यवस्था नहीं कर पाए तो कहा हमसे ज्यादा व्यवस्था भारत के पास है, सारे क्षेत्र में हम आगे हैं, आप बताइए क्या करना है। तो स्वामी विवेकानंद जी जब भारत के बाहर एयरपोर्ट्स पर चलते थे, पहुंचते थे, तो वहां से थोड़ी मिट्टी